इसमें पाउडर ये बॉटल में डालते इसे ले लेते थोड़ा थोड़ा चमचा है, लेने के बाद एक ग्लास के ऊपर डालते, क्योंकि अगर इसके ऊपर डाले तो ये पकड़ता वुड एंड एनी अदर मटेरियल उसको पकड़ता, वो जो वेरी मेहनत का चीज़ है, वो कॉस्टली आइटम है, वो इसके ऊपर डालते महंगी चीज़ है, ग्लास के ऊपर इसको लाइंस बनाते स्मॉल स्मॉल लाइंस नहीं है देखो ये लोग उसको ये सारी किट को भी सभी लोग को गोल बनाने को नया लॉन्च हुआ सर अरे हम पकड़ लिया नहीं लॉन्च होना है अब आगे से आपको डिक्शनरी कोई हाथ में रहे तो इमीडिएटली सस्पेक्ट करना सस्पेक्ट करने चीज है ये बॉटल में भी डाल सकते देखो डिक्शनरी हमारे वो एक टूल की जैसा बना है, किसी का आइडिया भी नहीं रखते, देखो पढ़ने वाले बच्चे समझते बस, बच्चों का डिक्शनरी है पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को इसीलिए दिखा रहे, आपका कभी भी कोई भी ऐसे डिक्शनरी के साथ कोई सस्पिशियस जैसे लग रहा है, देखो बुक ये पेंट है, थोड़ा गौर से देखेंगे तो पेंट है, पेजेस नहीं है। तो जब भी कोई भी है सभी आपके थ्रू सारी जो व्यूअर्स का हमारा रिक्वेस्ट है, वैसे भी लोग पकड़ के लेके घूम रहे, आपका कैसे भी इसी सिलसिले कहीं भी दिखेगा तो हमको प्लीज़ इंटीमेट कर लीजिए, तो हम एक्शन लेंगे और आप लोग जो भी हमको इंटीमेट देंगे उन लोग का भी नाम हमको कहीं बाहर नहीं आएगा, एंड आप लोग भी बेटर सोसाइटी के लिए ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सबको आदाब। आज चेतना का पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर और सप्लायर को पकड़ा था जिसका नाम है गोस्वामी आशीष गिर, उनको एक्चुअली कल पकड़े थे, आज प्रोड्यूस कर रहे हैं जेल में, जो जुडिशियल रिमांड के लिए लेके जा रहे थे। ये गांजा और MDMA मिथाइल डाइऑक्सी सॉरी मिथिलीन डाइऑक्सी मिथाइल डाइएम्फेटामिन MDMA एक सिंथेटिक ड्रग है ये, और गांजा ये लोगों को बेचते रहते हैं। ये एक्चुअली मंगलहार के रहने वाले, उसके बाद ये उपगोड़ा पे शिफ्ट हुआ, क्लॉथ बिजनेस पे भी काम करते नाम के लिए, इसके पहले भी कुछ केसेस में इन्वॉल्व थे 49/2020 NDPS केस है मंगलहार PS में, उसके बाद 169/2021 जो चारमार PS पे भी NDPS एक्ट पे जेल गया, उसके बाद इसके ऊपर PD एक्ट भी डाला, वो एक साल जेल पे रह के बाहर आए। ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि जब जेल पे था ये उड़ीसा के रहने वाला एक मिलान देवनाथ से मुलाकात हुई और उससे ये गांजा मंगाते, मिलान देवनाथ उड़ीसा से मलकानगिरी से गांजा बेचता यहाँ पे मंगाते थे, और MDMA के लिए इसके सैयद लियास बाबे मुंबई पर रहने वाला है जो MDMA इनको सप्लाई करते हैं, ये गांजा को 8,000 पर किलो का हिसाब से खरीदते और यहाँ पे 15,000 पे बेचते, वैसे MDMA के वही ये 1,500 पे खरीदते और 4,000 पर ग्राम के हिसाब से बेचते। हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि इन्फॉर्मेशन पे जो ACP चेतना का चंद्रशेखर इंस्पेक्टर चेतना का श्रीनिवास रेड्डी SI त्रिमूर्तुलु और हेड कांस्टेबल्स कमरैया वेंकटेश मेहदी ये सभी लोग इनको पकड़ने में बहुत एफर्ट पुट इन किया। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन के साथ कल दोपहर में 12:30 बजे के आसपास 12:30 पूर्ण एजेंडा पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि बंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे, तो व्हीकल चेकिंग किया था वहाँ पे पूर्ण एजेंडा में, तो उस व्हीकल में 6.225 kg ऑफ गांजा मिला और तकरीबन 18.75 grams ऑफ MDMA मिला, पूरा मिलके उसका तकरीबन उसका कीमत है 3,81,000 का कीमत है ड्रग्स का जो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से उसने इनसे रिकवरी किया। साथ साथ उनके पास कुछ नया इक्विपमेंट पहली बार जो देखा हम लोग, स्नॉटिंग किट जिससे MDMA ड्रग कंज्यूम करते हैं उसका भी किट, एक छोटा सा आपको लग रहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं है बल्कि ये किट है, इसके अंदर उसने अपना सामान पूरा रखा है, सारी सामान रखा है। तो
ये लोग अलग तरीके से छुपाने के लिए कि इसीलिए कैरियर करने के लिए सारी बनाया, ये भी हम लोग रिकवरी किया उससे। एक जितना का पीएस में क्राइम नंबर 142 मैंने पे रजिस्टर केस रजिस्टर किया 8C रेड विथ 22C और 27 ऑफ NTPS एक्ट पे केस रजिस्टर किया इनके अगेंस्ट और इनके ऊपर एक्शन ले रहे। मीडिया मित्रों के द्वारा हम सभी सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आजकल ये लोगों अलग अलग तरीके से ड्रग्स कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कभी भी इंफॉर्मेशन आते तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन प्रसारण कर दीजिए। जो कंज्यूमर से जो बच्चे उनका नशे पे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन लोग को डी एडिक्शन कैंप हम भेजेंगे ताकि उन लोग सही हो के फिर नॉर्मल सोसाइटी पे आ जाएंगे। साथ साथ जो भी उनको सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि आपको पता है तेलंगाना गवर्नमेंट उसमें काफ़ी सी जैसे विल गो टिल दी मैन्युफैक्चरर्स एंड उन लोग को भी पकड़ के आने की कोशिश चल रही है। थैंक यू। जय हिंद। ये MDMA जो ड्रग है ग्रामों पे बेचते हैं, बहुत कम होते हैं, गांजा को भी पैकेट बना के बेचते हैं और उनका कंज्यूमर्स का भी लिस्ट हम बना रहे हैं।